उनके लिए बेसिकली जिनके पासपोर्ट भी दिल्ली के आते थे दिल्ली अल्टीमेटली मेरा नाम गुरचरण दास है और मेरा कैंसिल मार दिया था, मेरे पास भी पैसा नहीं है, रिजन मेर की बेटा है, इसीलिए मैं भारत मिशन चल रहा है जा रहा हूँ। मेरा नाम जगवंत बंडा है और फिर थोड़ा जॉब का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए मुझे उड़ीसा वापस जा रहा हूँ। था काफ़ी समय से, आई मीन ही इज़ इन जॉब एक्चुअली, इज़ इन रेगुलर जॉब, लेकिन अब वहाँ पे रहना थोड़ी दिक्कत है क्योंकि हजार्ड है एक ये, और उस समय पे डोमेस्टिक हेल्प वहाँ पे जितनी भी हैं विजिटिंग है वो, तो जो चाहे वो काम वाली है चाहे वो कुक है, वो सब विजिटिंग होते हैं, आते हैं अब जाते हैं, तो एक ये हजार्ड था उसके लिए। तो हमने एक ये सरकार से अपील करके, और ये हमारे बहुत बड़ी एक बात है कि हमें ये हमारे बेटे को यहाँ पे उन्होंने क्वारंटाइन में, वो घर में कन्फाइंड था, वो घर में कन्फाइंड था एक तरीके से, अपने आप को उसने क्वारंटाइन ही किया होता सेल्फ, और वो क्योंकि विजिटिंग था तो इसलिए कुक्स वगैरह को उसने रोक दिया था आने से, तो उसे खुद थोड़ा बहुत प्रिपेयर करता था या कहीं सेफ जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ से उनसे खाना मंगा के खाता भी था बड़ा प्रिकॉशन लेके, लेकिन ये उसके लिए फिर भी एक बड़ा दिक्कत वाली बात हो रही थी इस समय। ही इज़ अ सिंगल। कैसे कैसे कदम उठाया गया जहाँ तक वो पहुँचे हैं? ये उसने वहाँ पे एम्बेसी को रिपोर्ट किया था ये सारी चीज़ें, सारी अपनी प्रॉब्लम्स को, और उसके बाद उन्होंने ही एक उसकी सारा किया, इंतज़ाम किया और वो यहाँ पे आ गए। गवर्नमेंट का कैसा कदम सोचते? मैं तो कहता हूँ ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है, क्योंकि जहाँ पे सब जगह इस समय निराशा फैली हुई है
एक बहुत बड़ी आशा की किरण उन रिश्तेदारों के लिए, उन लोगों के लिए जो यहाँ इंडिया में अपने बच्चों को वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक हमेशा आशा करते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे पास पहुँचे। आपको मिलने नहीं देगा तो मिलने दिया जाएगा, तब भी आप आए हो कैसे? जी वो एक ऐसा है कि क्योंकि काफ़ी समय हो गया था तो मैं और मेरी मिसेज रेखा गर्ग हम दोनों ही लोग पठानकोट से चल के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमें पता है इसके बाद भी हमें नहीं मिलना दिया जाएगा क्योंकि उसको फिर क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ही विल बी स्टेइंग इन द होटल अलॉटेड होटल कोरल रिजॉर्ट इन पठानकोट। तो हम ये देखना चाहते थे उसे, तो देखने के बाद हम अपनी गाड़ी से अलग चले जाएंगे। जी वो तो तकरीबन 4 साल से वो ओवरसीज ही काम कर रहा है, पर दुबई में तकरीबन 1.5 साल उसको हो चुके हैं। 4 साल के बाद आ रहे हैं? नहीं वो तो 1.5 साल के जी 1 साल के बाद आ रहे हैं। 1 साल। हाय माय नेम इज सियोना एंड आई वांट टू गो इंडिया। आई लिव इन, थैंक यू सीजीआई दुबई, थैंक यू फॉर and mom home. I love India. Thank you. So thank you. Thank you very much. You were stuck here. How long were you here? How long you were here? 2 months. Two months. Oh boy. You are happy going back? Very good. You like Dubai or Delhi? Both. Yeah. Oh. Good. Share the car. Read out the car. Yeah, thank you. Thank you. Thank you very much. Very nice. Yeah. Okay. Yes.